ऑफ वडोदरा તાલુકાના યાત્રાધામ ચાંદોદના પવિત્ર પશ્ચિમ વિસ્તારમાં પરમ પૂજ્ય શ્રી 1008 બ્રહ્મલીન દયાનંદ વેદપાઠીજી મહારાજ દ્વારા વેદાશ્રમની સ્થાપના સાથે સંકુલમાં શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરાઈ હતી. જે સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ મંદિરનો આજે 37મો ભવ્ય વાર્ષિક પાટોત્સવ પ્રસંગ હોય વેદાશ્રમના પરમ પૂજ્ય સ્વામી શ્રી શૈલેષાનંદપુરીજી મહારાજના પાવન સાનિધ્યમાં અખંડ ધૂન અભિષેક લઘુરુદ્ર વિશેષ મહાપૂજનના કાર્યક્રમ યોજાયા હતા. આ અવસરે નગરમાં ભક્તિ સંગીતના તાલે ભવ્ય શોભાયાત્રા યોજાઈ હતી. સંતવૃંદ સહિત વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી પધારેલા શ્રદ્ધાળુઓ તેમજ સનાતન ગઢ પરિવારના ધર્મ પ્રચારક હર્ષુ પંડ્યા, કૃષ્ણ તિવારી, અજય શર્મા અને બીજેડ ગ્રુપ હિન્દુ યુવા છાત્ર સંઘના ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલા વિશેષ રૂપે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. थोड़ी बुलाएं तो नहीं ब्रे दो भाई ओम नमो नारायण जय सनातन. आज का सुंदर पावन पर्व माँ नर्मदा के सानिध्य में हमारे सिद्धेश्वर महादेव का 37वां पाठोत्सव वार्षिक उत्सव का आयोजन आज परम पूज ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी दयानंद वेदपाठी जी महाराज ने इस दिव्य नर्मदा के तट पर चाणौद चंडीपुर ग्राम में सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना की थी, जो नित्य प्रतिवर्ष 37 वर्ष से निरंतर यह वार्षिक उत्सव मनाया जाता है. पूज्य गुरुदेव के भक्त समस्त विश्व से, समस्त भारतवर्ष से, अनेकानेक गांव, प्रांत, जिले, शहर से यहां उपस्थित होते हैं और हम इसे नित्य प्रतिवर्ष उत्सव के रूप में मनाते हैं, जहां समस्त सिद्धेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक और समस्त जो देवी देवता यहां स्थापित हैं उनका पूजन, यजन, पादुका पूजन होता है. इसके पश्चात माँ नर्मदा का पूजन और चुनरी मनोरथ का कार्यक्रम. इसके अलावा हमारे सनातन वर्ल्ड, समस्त सनातन धर्म प्रेमियों के लिए जो सनातन वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाया गया, उसके समस्त कार्यकर्ता, युवा साथी, जो आज के समय में युवाओं पर बड़ी विडंबना है, जो नशा या अन्य प्रकार की एक्टिविटी में फंस करके भ्रमित हो रहे हैं, उनको एक सही मार्गदर्शन और दिशा प्राप्त हो, इसके लिए सनातन अपने कार्य पद्धति के अनुसार हमारे समस्त सनातन युवा संत सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है, जिससे कि समाज में, प्रदेश में, देश में सनातन के प्रति जागरूकता हो सके, सनातन के उत्तरदायित्व को हम सब सनातनी समझ सकें. और हम चाहेंगे कि निरंतर प्रयास के द्वारा हमारे हर्षु पंड्या जी और उनकी समस्त प्रदेश की, गुजरात प्रदेश की टीम इस कार्य के लिए निरंतर कार्य कर रही है, युवाओं को जागृत करने के लिए, युवाओं को सनातनी संदेश को प्रदान करने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर में जा जा करके घर-घर जाने का हमारा संकल्प है, जो समस्त सनातनियों को प्राप्त हो और सब समस्त सनातन धर्म की ओर अग्रसर हो. ओम नमो नारायण, जय सनातन, हर हर महादेव.